पांच विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज यूपी के केराना के दौरे पर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी के नेता शामिल होंगे। ये नेता केराना के निवासियों से मुलाकात करेंगे और सिविल सोसाइटी की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले कल किराना से हिंदू परिवारों के विस्थापन की जांच के लिए बीजेपी की टीम वहां पहुंची और उसने पीड़ितों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। तो महंगाई दर में बढ़ोतरी और खाने पीने की चीजों की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और दालों की अधिकतम कीमत 120 रुपए तय कर दी है। यानी राज्य सरकारें अब 120 रुपए प्रति किलो से महंगी दालें नहीं बेच सकेंगी। दालों की बिक्री क्रेन के बफर स्टॉक से की जाएगी। इसके अलावा सरकार कुछ सब्जियों, फलों और खाने के तेलों के अधिकतम दाम की सीमा तय करने पर भी विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिन की एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 2016 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीडीटी और सीबीईसी के टॉप अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। राजस्व ज्ञान संगम भी इसको संबोधित करेंगे। इस दौरान ये अधिकारी देश में टैक्स पॉलिसी से जुड़े मामलों को प्रभावी तरीके से कैसे सुलझाया जाए, कैसे उसका हल निकाला जाए, इस पर भी विचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका को लेकर उठे विवाद के बाद कांग्रेस महासचिव और पंजाब कांग्रेस प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे एमएस गिल ने कमलनाथ की नियुक्ति को सिखों के जख्मों पर नमक बताया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिचौलिए क्रिस्टियन मिशेल जेम्स समेत तीन लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। मिशेल पर आरोप है कि उसने भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसों का इंतजाम किया था। चार्जशीट में कहा गया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से मिशेल को रिश्वत देने के लिए 2225 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने यह चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बनाई विशेष कोर्ट में इसे दाखिल किया था। कैबिनेट ने नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने एयरलाइंस के किरायों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब एयरलाइंस मेट्रो शहरों से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए आधे घंटे की फ्लाइट पर 1200 रुपए से ज्यादा किराया वसूल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन शहरों के लिए एक घंटे की फ्लाइट पर अधिकतम हवाई किराया 2500 रुपए होगा। अगर रीजनल रूट्स पर ऑपरेटिंग कॉस्ट 2500 रुपए से ज्यादा आती है तो सरकार एयरलाइंस को किराए पर सब्सिडी देगी। विदेशों में उड़ान शुरू करने के लिए सरकार ने 5/20 यानी कि 20 विमान और 5 साल के अनुभव के नियम को खत्म कर दिया है। इसकी जगह अब 0/20 नियम को लागू किया गया है तो इसका सीधा फायदा विस्तारा और एयर एशिया इंडिया जैसी एयरलाइंस को मिलेगा। इसके अलावा सरकार नो फ्रिल एयरपोर्ट बनाने पर जोर देगी जहां सिर्फ जरूरी सेवाएं ही मिलेंगी। साथ ही लो कॉस्ट एयर स्ट्रिप्स बनाने पर भी कामकाज होगा। अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा वसूल नहीं किए जा सकते। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं किया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10,000 रुपए तक होगी। प्रोमो और स्पेशल फेयर समेत सभी पर रिफंड लागू होंगे। सरकार ने पब्लिक हेल्थ सर्विस के स्पेशलिस्ट कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र
62 से बढ़ाकर 65 कर दिया। सरकार ने पंजाब को ये तोहफा भी दिया है। पंजाब में करीब 2000 करोड़ रुपए के रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। तो वही कैबिनेट ने हटको में 10% विनिवेश को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इंटरनेशनल सीबीट अथॉरिटी के साथ 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद भारत सरकार सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडियन राइड इलाके में करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में एक्सप्लोरेशन कर पाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बाद अब महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन पर भी जमीन घोटाले का आरोप लगा है। गिरीश महाजन पर जलगांव के भूसावल में दलित परिवार से करीब 5 एकड़ जमीन गैर कानूनी ढंग से खरीदने का आरोप है। कांग्रेस के मुताबिक गिरीश महाजन ने 2002 में चीनी मिल स्थापित करने के नाम पर जमीन ली थी, जबकि ये जमीन दलित वर्ग की थी, जिसे सरकार की मंजूरी के बगैर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ ना तो चीनी मिल बनी और ना ही जमीन किसानों को वापस की गई। मालाबार युद्धाभ्यास में चीन भारतीय नौसेना पर नजर रख रहा है। जापान की समुद्री सीमा में चीन का डांग दिया दो जासूसी युद्धपोत देखा गया, जो भारतीय जहाज का पीछा कर रहा था। जापान ने चीन की इस हरकत पर हैरानी जताई है। तो वही चीन का दावा है कि उसका युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम कर रहा था। स्विट्जरलैंड अपने बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन से जुड़ी जानकारी साझा करने को तैयार हो गया है। इसी सिलसिले में भारत जल्द ही एक दल स्विट्जरलैंड भेज रहा है, जो वहां जमा भारतीयों के काले धन का पता लगाएगा। इतना ही नहीं, 2018 के बाद स्विट्जरलैंड भारत को खुद ही टैक्स चोरी और काले धन की जानकारी भेजना शुरू कर देगा। यूपी में चित्रकूट के करवी की सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए फायर ब्रिगेड के जवान भाग खड़े हुए, जिसके बाद दुकानदारों ने खुद ही मोर्चा संभाला। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार ने दो और जाने ले लिया। आरकेपुरम के पास एक बेकाबू डंपर ने कई कारों को टक्कर मार दी। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की लोधी कॉलोनी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान का नाम हेमंत है, उम्र 25 साल है। बताया जा रहा है कि जवान ने खुद को बाथरूम में गोली मारी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर रेप के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सरदार सिंह पर उनकी पूर्व मंगेतर ने दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में रेप करने का आरोप लगाया था। ब्रिटिश मूल की ये भारतीय महिला ब्रिटेन की अंडर-19 हॉकी टीम की खिलाड़ी है। दिल्ली के शिव सागर रेस्टोरेंट से गरीब बच्चों को बाहर निकालने के मामले में DM ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी है। रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसने गंदे कपड़े होने की वजह से बच्चों को बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं दी थी। दोषी पाए जाने पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का इंग्लिश का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर बुधवार को व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया था। यूनिवर्सिटी ने FIR दर्ज कर दी है। करीब 55,000 छात्र परीक्षा देने वाले थे, अब पेपर 24 जून को होगा। दिल्ली की यमुना नदी में इसी अक्टूबर से बोट सर्विस शुरू हो सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग में प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने पर बात हुई है। यमुना में बोट पहले चरण में वजीराबाद से फतेहपुर जटगांव के बीच चलाई जाने है। मुंबई के कुर्ला में 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार की घटना सामने आई है। बलात्कार का आरोप दो ऑटो रिक्शा वालों पर है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। मुंबई के एक शोरूम में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। लूट के आरोप में पुलिस ने शोरूम में असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घुसकर बैंक के क्लर्क की जमकर पिटाई कर दी। क्लर्क पर किसानों से कर्ज के बदले पैसे मांगने का आरोप। प्रियंका गांधी यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली से बाहर भी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। यूपी कांग्रेस ने प्रियंका को लेकर ये मांग जोर पकड़ ली। ऐसे में पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने ये संकेत दिए हैं कि प्रियंका 2017 में पूरे यूपी में रैलियां कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के संभल शहर के आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संभल में आतंकियों के नेटवर्क को लेकर यूपी पुलिस को अलर्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 6 लोग संभल जिले से। आगरा के एक अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों के रिश्तेदारों के बीच जमकर झड़प हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने मरीज के रिश्तेदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के मुताबिक 3 मरीजों को लीलाधर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन बाद में उनके रिश्तेदार उन्हें अपनी मर्जी से किसी और अस्पताल में ले जाने लगे और इसी पर विवाद हो गया। कानपुर में शराब पीकर गाड़ियों की रेस लगाने का मामला सामने आया है। हाईवे की सर्विस लेन पर इस रेस के दौरान एक कार रोड से उतरकर अस्पताल में जा घुसी, दूसरी कार नाले की बाउंड्री से टकराकर पलट गई। पुलिस ने दोनों कारों से शराब की बोतलें बरामद की है। कार चलाने वाले रईस घरों के लड़के हैं और उनके बीच शर्त लगी। यूपी की गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस और हाईटेक हो गई है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के जवानों को खास कैमरे दिए गए हैं, जिन्हें वो अपनी वर्दी पर लगाकर ट्रैफिक पर नजर रख सकेंगे। इस डिवाइस में नाइट विजन कैमरा भी है। कैमरे में 32 GB मेमोरी तक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कानपुर के बाल आश्रम में कुपोषण से 8 बच्चों की मौत के बाद बाकी बच्चों को लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहां भी लापरवाही साफ नजर आ रही है। बच्चों को खटारा गाड़ी से लखनऊ भेजा गया, जिसमें ना तो एसी था और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था। कायदे के तहत बच्चों को एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जाना चाहिए था। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। ये नकली इंस्पेक्टर एक नाकेबंदी के दौरान कार की चेकिंग पर पकड़ा गया। फर्जी इंस्पेक्टर ने अपनी कार पर नीली बत्ती और पंजाब पुलिस का फर्जी स्टिकर भी लगा रखा था। जांच में पता चला कि पुलिस ने भर्ती का झांसा देकर लोगों ने पैसे भी लिए थे। पंजाब के कपूरथला में एक नशेलची पति ने अपनी पत्नी की पीठ में छुरा भोंक दिया। पत्नी गंभीर हालत में चंडीगढ़ PGI में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जोगेंद्र की नशे की आदत की वजह से पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और उस पर केस भी कर दिया था। आरोपी जोगेंद्र को घटना के बाद से फरार कराया जा रहा है। यूपी के हाथरस में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो वो एक बिल्डिंग में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। बदमाशों के इस गैंग पर लूट और हत्या जैसे 40 से ज्यादा मामले। मथुरा के जवाहर बाग हिंसा के आरोपी चंदन बोस और उसकी पत्नी पूनम बोस को बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन को बस्ती में उसके ससुराल कैतवलिया गांव से पकड़ा गया है। पूछताछ में चंदन ने बताया कि जवाहर बाग में पैसे की फंडिंग वहां के आसपास के लोग ही करते थे। पुलिस अब चंदन बोस के नक्सली कनेक्शन की भी तलाश कर रही है। वैष्णो देवी में दर्शन के लिए आए एक व्यक्ति को अपनी नवविवाहित पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पत्नी को गला घोट कर मारने के बाद उसने शव को कटरा की एक खाई में फेंक दिया और पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखा दी। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक पति को पहले तो उसकी पत्नी के प्रेमी ने खूब शराब पिलाई, फिर गला घोटकर हत्या कर दी और शव को पास के खेत में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसकी एक पड़ोसन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेमी की तलाश की जा रही है। एमपी के शहडोल में एक बेटे पर अपने पिता के कत्ल की सुपारी देने का आरोप लगा है। लालमन चौधरी की 29 मई को हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी लालमन के बेटे घासीराम ने दी थी। पुलिस के मुताबिक पिता की 2 पत्नियां थीं और इसे लेकर बेटा आसपास के लोगों के तानों से परेशान था। जयपुर में 3 साल की एक बच्ची को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की है। आरोपी का अभी भी कोई सुराग नहीं है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो लूट की वारदात को अंजाम देने बकायदा
फ्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। पुलिस ने इनके पास से दिल्ली और मुंबई से लूटे गए 10 लाख के जेवरात और हथियार भी बरामद किए। लुटेरों का सुराग जब मिला तब रंगदारी के एक मामले में ये पूरा सीसीटीवी में ये वारदात रिकॉर्ड हुई, तब जाके इनके बारे में जानकारी लग पाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मां ने अपने 4 साल की बेटी को जहर पिलाया, फिर खुद भी जहर पीकर जान दे दिया। हालांकि बेटी की जान बच गई है। खुदकुशी की वजह पति से विवाद बताया जा रहा है, तो वहीं पति का कहना है कि उसकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजस्थान के कोटा में एक डॉक्टर ने चंबल नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जैकलॉन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर राम अवध सिंह गुर्जर का अपने परिवार वालों के साथ किसी बात पर विवाद चल रहा था। हालांकि परिवार किसी भी विवाद से इनकार कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक युवक के तेजाब फेंकने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस महिला का लिव इन पार्टनर विनोद ही है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक विनोद को शक था कि महिला के किसी और से संबंध है और इसी के गुस्से में आकर उसने तेजाब फेंकने की वारदात की। केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की ये अंतिम बैठक थी। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था, ताकि सातवां वेतन आयोग लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। अब ये समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5 सहयोगी बैंकों के मर्जर को भी मंजूरी दे दी है। SBI के साथ एसोसिएट बैंकों के मर्जर को पहले ही बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की मंजूरी मिल चुकी है। SBI के साथ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय महिला बैंक का भी SBI में मर्जर होगा। मर्जर के बाद SBI दुनिया का 44वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। सरकार की SBI में 61.32% की हिस्सेदारी है। SBI के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि मर्जर SBI और सहयोगी बैंक दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। इससे SBI का नेटवर्क तो बढ़ेगा ही, साथ ही बैंक की पहुंच में भी इजाफा होगा। अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि मर्जर से मिलने वाले संसाधनों के सही इस्तेमाल से बैंक की क्षमता बढ़ेगी। अभी दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में एक भी भारतीय बैंक नहीं है। मर्जर से सहयोगी बैंकों के ग्राहकों को भी फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने सरकार के SBI के साथ विलय के फैसले का विरोध किया है। ऑल इंडिया SBH एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऐसे में बैंक का SBI के साथ विलय करना सही नहीं है। गूगल ने देश में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए कई करार किए हैं। गूगल के मुताबिक 13 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा शुरू की जा चुकी है और इस साल के अंत तक 100 रेलवे स्टेशन वाईफाई से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा गूगल का 5 करोड़ महिलाओं तक इंटरनेट पहुंचाने का काम भी जारी है, तो वहीं छोटे उद्यमियों को गूगल अपने प्लेटफॉर्म तक जोड़ रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कनॉट प्लेस दुनिया का 7वां सबसे महंगा ऑफिस मार्केट है। दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में देश के 3 मार्केट प्लेस शामिल हैं। सीबीआरई के रिसर्च में दुनिया के 126 मार्केट शामिल हैं। सीबीआरई की ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट जून 2016 रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कनॉट प्लेस दुनिया का 7वां सबसे महंगा ऑफिस मार्केट है, जबकि मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 19वें स्थान पर है। मुंबई का नरीमन पॉइंट इस लिस्ट में 34वें नंबर पर है। अब आप जल्द ही एप्पल आईफोन्स में 360 डिग्री स्क्रीन का मजा ले पाएंगे। एप्पल ने हाल ही में 360 डिग्री स्क्रीन का पेटेंट हासिल कर लिया है, जिसके तहत आईफोन में 360 डिग्री डिस्प्ले जुड़ सकता है, यानी आईफोन का डिस्प्ले फोन के चारों तरफ होगा। एप्पल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद रैप अराउंड डिस्प्ले पेटेंट करवा लिया है। 2015 में ही
इसके लिए उसने फाइल किया था। 360 डिग्री स्क्रीन की मदद से यूजर्स आईफोन के आगे और पीछे पैनल पर गेम्स खेल सकेंगे और वीडियो को भी देख सकेंगे। साथ ही यूजर्स स्टील इमेज को कॉन्टिन्यूस लूप में आईफोन के चारों ओर देख सकेंगे। पेटेंट एप्लीकेशन के मुताबिक आईफोन के साइड्स बटन को वर्चुअल किया जा सकता है और इस पेटेंट को आईफोन के लिए गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी अगले आईफोन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। एशियाई शेरों के लिए दुनिया में मशहूर गुजरात के गिर फॉरेस्ट रिजर्व से एक गुड न्यूज आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दावा है कि गिर में 125 शेरनियों में से 100 प्रेग्नेंट है, यानी मानसून में 200 नन्हे शेर गिर में चहलकदमी करते दिखाई पड़ सकते हैं। लॉ एंड कंजर्वेशन की वजह से शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। नवजात शावकों को बचाने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। 2015 में हुई गिनती के मुताबिक गिर नेशनल पार्क में 523 शेर हैं। अपने मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से विरोध का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक और विवादित बयान दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में आतंकवाद रोकने के लिए मस्जिदों में सर्विलांस लगाने की बात कही है। इसके साथ ही ट्रंप ने शरणार्थी मुसलमानों की अमेरिका में एंट्री बैन करने की बात दोहराई। ऑरलैंडो नाइट क्लब के हमलावर उमर मतीन के पिता ने हमले में मारे गए अपने बेटे और 49 लोगों को आतंकवाद का शिकार बताया। मतीन के पिता ने ये बात मानने को वो तैयार नहीं कि मतीन ने नाइट क्लब पर हमले का प्लान खुद बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ओबामा ने तिब्बत की अनोखी धार्मिक परंपरा को बचाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। हालांकि इस मुलाकात पर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने की अमेरिकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। रूस ने फ्रांस में चल रहे फुटबॉल के यूरो कप मुकाबले के दौरान हुड़दंग के आरोप में रूस के फैंस को हिरासत में लेने से एतराज किया है। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने इंग्लिश फैंस पर रूस के फैंस को उकसाने का आरोप भी लगाया। रूस ने विरोध जताते हुए फ्रांस के राजदूत को भी तलब किया है। अपनी गर्लफ्रेंड रिवा आइंस्टीन कैंप की हत्या के मामले में पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को 6 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने सजा के फैसले को 3 दिन तक के लिए टाल दिया। ऑस्कर ने 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन अपने घर में ही रीवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि ऑस्कर का कहना है कि उसने अंधेरे में घर में चोर दाखिल होने के शक में गोली चलाई थी। ऑरलैंडो के वॉल्ट डिज्नी रिजॉर्ट की झील से उन 2 साल के बच्चों का शव मिला है जिसे पैडलिंग के वक्त मगरमच्छ घसीट कर ले गया था। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ छुट्टी मनाने इस रिजॉर्ट में आए थे। बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उसके मिलने की उम्मीदें टूटने के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। चीन की अदालत ने पूर्व डोमेस्टिक सिक्योरिटी टी स्टार ब्योंगकंग के बेटे को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर 18 साल की जेल की सजा सुनाई है। एनर्जी सेक्टर में रिश्वत लेने और गैर कानूनी बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए ये सजा सुनाई गई। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज नॉर्थ आयरलैंड की एक गार्डन पार्टी में रॉयल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। नॉर्थ आयरलैंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इस पार्टी में करीब 2500 मेहमान मौजूद थे। इस गार्डन पार्टी का आयोजन 1984 से लगातार किया जा रहा है। 68 साल के दुर्गा कामी नेपाल के सबसे ज्यादा उम्र के स्टूडेंट हैं। दुर्गा रोज किसी आम छात्र की तरह ही पैंट शर्ट और टाई पहनकर स्कूल के लिए निकलते हैं और छोटे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं। 15 साल पहले दुर्गा की पत्नी का देहांत हो गया था और उसके 6 बच्चे भी अपने अपने काम में सके होकर अलग अलग रहने लगे, फिर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। लिहाजा अकेलेपन से निपटने के लिए दुर्गा ने स्कूल और कॉपी किताबों को अपना दोस्त बना लिया। न्यूयॉर्क गैलरी में आजकल चल रही एक आर्ट प्रदर्शनी की बेहद चर्चा है। कोलंबियन आर्टिस्ट फेडरिको यूबर ने अपने एनिमल स्क्रेचर और लैंडस्केप्स को बेकार हो चुकी बुलेट शेल्स से तैयार किया है।